सभी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है सीजी टेट एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर को जो है आयोजित हुआ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 पदों पर जो है भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी भर्ती जो है इम्पोर्टेंट भर्ती निकल के आया। तो 18 सितंबर को आप लोगों का सीजी टेट एग्ज़ाम्स हुआ था, 6 अक्टूबर को सीजी टेट का मॉडल आंसर आया, उसके बाद 21 अक्टूबर को सीजी टेट का रिजल्ट आया। और सीजी टेट के रिजल्ट जब जारी हुआ उसमें सिर्फ 75,000 स्टूडेंट ही सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाए थे। लेकिन अब अपडेट निकल कर आ रहा है, जैसे कि मैंने एक दो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया था, उसमें यदि आपका 74 पॉइंट में या फिर 89 पॉइंट में नंबर आ रहा था, उन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो गए, यानी कि 5,000 और स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। तो टोटल जो है अब 80,000 स्टूडेंट जो है सी जी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें शुरुआत में जो है मिडिल स्कूल के लिए जो है 50,000 स्टूडेंट के एग्ज़ाम, प्राइमरी स्कूल के लिए जो है 50,000 और मिडिल स्कूल के लिए जो है 25,000 स्टूडेंट जो है सी जी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए थे। क्योंकि सी जी टेट एग्ज़ाम में जो SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट थे, तीनों ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसमें सिर्फ 50% अंक लाना था। तो 50% अंक के हिसाब से 75 नंबर लाने पर सिलेक्शन था। वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 60% अंक लाना था, यानी कि 90 नंबर लाने पर सिलेक्शन था। तो यदि आपका 89 पॉइंट में भी नंबर आ रहा है फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए अपकमिंग वैकेंसी जो है बहुत सी है आने वाले, और उसके लिए भी भर्ती विज्ञापन जो जारी किया जा चुका है। आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के 400 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसके साथ हम बात करें ADO के, ADO के अधिकारी लेवल का पोस्ट है। ADO जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी के जो है 250-250 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। इसके साथ ही आप लोगों के लिए रिवेन्यू इंस्पेक्टर RI के पदों पर जो है राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती होना है। साथ ही आपके जो है आमीन पटवारी जो सिंचाई विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उसके अंतर्गत जो आपके आमीन पटवारी का भी भर्ती जो है होने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती होने वाला है, वन रक्षक का। तो इस तरह से आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज भर्ती विज्ञापन जो है जारी होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके जो है सहकारिता विभाग में जो है 3,000 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन भी जारी होगा, जिसमें 1,700 पोस्ट अकेले समिति प्रबंधक के होंगे और 2,058 पोस्ट आपके जो है हर 5 समितियों में जो है एक सुपरवाइजर के होंगे। तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग बस मेहनत नहीं करते, तैयारी नहीं करते, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको मेहनत करना है, अपना फुल एनर्जी लगाना है, फुल एफर्ट के साथ आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और आपको गवर्नमेंट और आपका सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट में हो जाए और आप जो है बहुत ही अच्छी नौकरी कर सके, जॉब कर सके, और आपको जो है एक बेहतर सैलरी जो है जॉब देखने को मिलता है, और आप अपनी ज़िंदगी को जो है एक नया आयाम दे सकते हैं और आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाला है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिनका CGTET एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुआ है उनको जो है आने वाले सप्ताह में जो है सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा कि आपका जो CGTET एग्ज़ाम क्वालिफाई है उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि CGTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई सिर्फ आपको एक बार करना है, और एक बार यदि आपका CGTET एग्ज़ाम इस बार यदि क्वालिफाई हो गया तो इसकी वैलिडिटी जो रहेगा वो आपका जो है लाइफ टाइम तक रहेगा। लाइफ टाइम जब भी छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा आएगा आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप आप जो है आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम सीखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ और भर्तियों के बारे में, और भर्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो CGPSC में भी 190 से भी अधिक पदों पर जो है भर्ती होने वाला है, और आने वाले समय में भी उसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है कर दिया जाएगा। तो बस अब आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, सिर्फ अपने तैयारी पर जो आपको कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको बुक लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले आपको कंपटीशन एकेडमी
हरी राम पटेल सर का बुक आपको लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ सीजी करंट अफेयर्स की बात करें तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से आप जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है असल में मुश्किल होता नहीं है, सिर्फ आप अपने सोच से ही उसे मुश्किल बना देते हैं और आप ऐसे हर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सकते हैं। बस आप में वो डिज़ायर होने चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए। तो अब बात करें छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में 12,489 पोस्टों के लिए आपके आने वाले समय में इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है, फिर आप इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, बस आप मेहनत ही नहीं करते, इसी वजह से आपको मुश्किल लगता है। तो मुश्किल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, आप निरंतर जो है प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा और आपको जो है जॉब जरूर मिल पाएगा। तो जब भी छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा के रिलेटेड हो या अन्य कोई भर्ती परीक्षा के बारे में, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं आप सभी स्टूडेंट को अप टू डेट जो है जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोगों को इसी तरह से नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी नॉलेज पहुँच सके और वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है खामोशी से जो है मेहनत कीजिए। कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना और बोलना, तो लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, लोगों की बातों पर परवाह मत करो। जो तुम्हारे सपने हैं उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि असल में जो है तुम्हारे जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वही एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है और ज़िंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता। तो ज़िंदगी में जो है सक्सेस के पीछे भागो, फिर दुनिया आपके पीछे होगी, फिर जो भी आपके ख्वाहिशें होंगे, जो भी आपके सपने होंगे, वो सभी सपने जो है पूरे होंगे। तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो मेहनत अभी से कीजिए और आपको ज़िंदगी में कामयाबी अवश्य मिलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट, तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, अपना ख्याल जरूर रखिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।